हे गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो सबका मैं वेलकम करता हूँ मेरे चैनल कंप्यूटर कोड पे। तो आज हमारा जावा का जो है थर्ड लेक्चर है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ थर्ड लेक्चर। तो इसके अंदर आज हम देखते हैं जावा के बारे में कुछ लेट बेसिक्स और चीज़ें, और क्या क्या चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर मैं फोल्डर के अंदर मूव हो जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक डॉक्यूमेंट फाइल बना लेता हूँ मेन के नाम से। तो अभी तो मैं इसका नाम जस्ट मेन रखा हूँ, क्योंकि अभी हम इसको कोडिंग करेंगे। तो देखते हैं, बल्कि इसका नाम मैं थर्ड लेक्चर रख देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, हम प्रीवियस कोड में मैंने ये जो हमारा फाइल का नेम होगा वो वाला वही सेम होगा। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के, सॉरी ये क्लास है, इसको मैं ज़रा ओपन विद करता हूँ नोटपैड। तो मैंने क्या बताया था, ये जो है जो हमारी फाइल का नेम होगा यही नेम होगा, अदरवाइज हमें एरर आएगा। तो मैं ये कोड को ज़रा सा कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अंदर जो चेंजेस इंप्लीमेंट होने वाली होंगी वो हम इंप्लीमेंट करते हैं। मैं थर्ड लेक्चर के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर मैं ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमारी फाइल का नेम होगा वो दैट इज थर्ड थर्ड लेक्चर। ओके, सो मैं इसको ज़रा रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग प्रिंट करवाता हूँ। तो मैं कंट्रोल एस कर देता हूँ, और सेव एस मैं यहाँ पे करता हूँ थर्ड लेक्चर जावा। तो वो हमारे पास जावा में आ जाएगा। और यहाँ पे मैं सी एम डी ओपन करता हूँ। ओके, सो जावा थर्ड लेक्चर, एंड होपफुली हियर इज थर्ड लेक्चर। ओके, सो ये हमारा सक्सेसफुली जो है वो क्रिएटेड हो चुका है। तो मैं ये क्लोज कर देता हूँ, बाकी सारा मेन टेक्स्ट इसको भी मैं डेल कर देता हूँ। तो हमें इसकी अभी नीड नहीं है। मैं यहाँ पे दोबारा इसको नोट पैड में ओपन करता हूँ। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम इसकी एक डेटा टाइप्स है हमारी स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स डेटा टाइप। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या होता है, और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, हम इसको एक्सेस किस तरह करते हैं, इसके बारे में अब आज हम डिटेल में बात करेंगे। और स्ट्रिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बल्कि इनफैक्ट स्ट्रिंग से पहले मैं आप लोगों को मैंशन करता हूँ, हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल्स। तो प्रोग्रामिंग के अंदर वेरिएबल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरिएबल्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेट्स सपोज हमारे पास कहीं से डाटा आ रहा है, वो हमने अपने उस वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ता है, फिर हम कहीं पे वो डाटा यूज़ कर रहे होते हैं। इसलिए वेरिएबल्स हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हार्ड कोडेड अगर हम लिखेंगे हर जगह पे, लेट्स सपोज एक वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू स्टोर है, मतलब मैं 10 जगह पे अगर हार्ड कोडेड वो वाली वैल्यू लिखूंगा, तो मैं मुझे 10 जगह पे चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर करवाता हूँ। मैं एक दफ़ा वेरिएबल के अंदर वैल्यू चेंज करूँगा, ओवरऑल जहाँ पे भी मैंने वेरिएबल यूज़ किया होगा वहाँ पे वो मेरी वैल्यू यूज़ हो जाएगी। तो स्ट्रिंग्स की तरफ आते हैं, स्ट्रिंग क्या होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग नेम इज़ इक्वल टू, मैं अपना नाम मेंशन कर देता हूँ, अब आप सब भी, और यहाँ पे सेमी कॉलन, मैं यहाँ पे ये आ जाता हूँ। और ये प्रिंट करने के लिए मैं ये वाला कोड ही कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ नेम, नेम कॉल किया और यहाँ पे सेमी कॉलन लगाया, कंट्रोल एस किया, और मैं कोड को री एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, सो एक चीज़ ये आ गई, हियर इज़ द थर्ड लेक्चर, और साथ ही उसने फ़ौरन आगे मेरा नाम मेंशन कर दिया, जो कि नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाली लाइन में आना चाहिए। तो इस चीज़ के अब दो तरीके हैं, यहाँ तो मैं बैक स्लैश एन लगा दूँ, ठीक है, मैं कंट्रोल एस करके दिखा देता हूँ। और दूसरा तरीका ये है, मैं यहाँ पे बैक स्लैश एन नहीं लगाता, इस बैक स्लैश एन का मतलब है नेक्स्ट न्यू लाइन। मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ प्रिंट एल एन, मतलब पहले हम प्रिंट कर रहे थे, अब मैं एल एन करता हूँ, एल एन का मतलब ये है कि नेक्स्ट न्यू लाइन। अब मैं अगर मैं इसको री एग्जीक्यूट करता हूँ, तो वो वही चीज़ सेम रिपीट होगी,
तो मोस्टली जो है मेरी जो नॉर्मल प्रैक्टिस के अंदर है, जावा मैं यूज़ करता हूँ, तो जावा के अंदर मैं प्रिंट एलएन ही यूज़ करता हूँ और कोई दूसरी यानी कि चीज़ें मैं यूज़ नहीं करता। तो मतलब मीन वाइल मैं प्रिंट नहीं यूज़ करता, मैं प्रिंट एलएन यूज़ करता हूँ, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। ओके सो अब ज़रा आते हैं ये वेरिएबल्स। स्ट्रिंग क्या चीज़ है? बेसिकली स्ट्रिंग्स है करेक्टर, मतलब मीन एक हमारे पास जिस तरह हैप्पी बर्थडे होता है, वो एक रोप के अंदर जो है हमारा हैप्पी बर्थडे जो है वो लिखा होता है, इसी तरह स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, इसके अंदर हम यूज़ करते हैं जावा या कोई भी लैंग्वेज उसके अंदर हम यूज़ करते हैं ये सीक्वेंस ऑफ द करेक्टर्स। मीनवाइल अगर मैं स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करूँ, द सीक्वेंस ऑफ द करेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो एक जो सीक्वेंस के अंदर जो हमारे पास करेक्टर्स होते हैं उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस भी होते हैं कि लेट्स सपोज मैं माइट बी ऐसा पॉसिबल हो, होपफुली होना तो चाहिए। ओके सो दिस इज गिव मी एरर गेट एट, और यहाँ पे ये, और यहाँ पे मैं जीरो पास करता हूँ। इसका एक है मेथड है, उस पर हम हर एक एड्रेस पे हम चेक कर लेते हैं। खैर एनीवेज मैं जब नेक्स्ट टाइम हम इस एडिटर पे हम यूज़ हो जाएंगे तो मैं आपको ये एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अभी के लिए जब हम स्ट्रिंग्स के डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे कि हम स्ट्रिंग को किस किस तरह गेट कर सकते हैं, किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग का क्या फंक्शन होता है, क्या कारकर्दगी होती है, तो उस चीज़ पे आएंगे। ओके सो लेट मी मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। तो आज हम अपना एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं। एक स्ट्रिंग होगी हमारे पास वेरिएबल, मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया डेटा टाइप, और एक डबल हम यूज़ करते हैं इंटीजर भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी। मोस्टली जो है ये तीन यूज़ होती हैं, और एक बुलियन यूज़ होती है जिसमें जो वैल्यू या ट्रू होगी या फॉल्स होगी ये चीज़ यूज़ होती है। तो वो जो है आप आगे नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएंगे उनमें अब हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो स्ट्रिंग को बेसिकली बताने का मकसद, इसके अंदर मोस्टली मोस्ट ऑफ द 80% जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो 80% जो हमारे जितने भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो स्ट्रिंग पे हो रहे होते हैं। तो अब स्ट्रिंग के अंदर जो हम काम किस तरह करते हैं, आई एम जस्ट क्लोज इट, डोंट सेव, मैं आपको दिखाता हूँ। हम ये जो है एडिटर इंटेलिजेंट वही हम यूज़ करेंगे। दिस इज मेरे कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स रनिंग है, मैं यहाँ पे सॉरी क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और मैं जावा सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्रिएट अ टेम्पलेट कमांड लाइन। ओके सो हियर इज ग्रूवी 4.0, आई डोंट नो ग्रूवी का क्या सीन है। चलें एनीवेज नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नेम लिखता हूँ। थर्ड लेक्चर 85 फाइल फाइल फाइल्स, नहीं, हमें डाउनलोड नहीं करना, लेट मी कैंसिल इट। ओके सो वेयर इज द इशू, लेट मी क्लोज इट। शोन लोरर, यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, हम अगेन बनाते हैं न्यू प्रोजेक्ट जो बस जस्ट हमें कोई और दूसरी चीज़ें नहीं सिलेक्ट करनी, यूज लाइब्रेरी डाउनलोड वर्जन 18। ओके नेक्स्ट क्रिएट अ टेम्पलेट नेक्स्ट, और यहाँ पे हम इसका नाम देख देते थर्ड लेक्चर, और यहाँ पे हमारा मेन वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेटेड होपफुली होगा, पड़ा होगा। हाँ ये देखें ये हमारा मेन जनरेटेड है। ठीक है तो अभी हम अपना यहाँ पे कोड हम लिख सकते हैं स्ट्रिंग। जस्ट सेकंड, इंडेक्सिंग वगैरह हो रही JDK 18 की, ये जस्ट कंप्लीट हो ले तो हम कंटिन्यू कर देते हैं।
ओके सो दिस इज स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं लेट्स सपोज नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ अब आप साबिर, और ओके यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सिस्टम, ये मुझे अक्सर खुद ब खुद ही कहता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। यहाँ पे अब हम कुछ भी वैल्यू जो है हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं नेम एंड डॉट करता हूँ कैट बाय टू लोअर केस, यहाँ पे अभी मुझे इसके डिफरेंट जो है ना ऑपरेशंस मिल जाते हैं कि मैं कौन सा कर सकता हूँ, चार एट मीन वैल्यू कि मैं इसमें हर एक इंडेक्स को एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं चेक करता हूँ मेरे जीरो पे कौन सी वैल्यू है, अब मैं इसको रन करता हूँ बिल्ड, तो ये देखें ये इसने मुझे बोला है कि आपके जो है जीरो पे ए पड़ा है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी याद रखनी है कि यहाँ पे जो हमारी किसी भी चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जो इंडेक्स से स्टार्ट होगी, अब ये इंडेक्स क्या होता है तो नेक्स्ट जब हम अरेज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे इंडेक्स क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं। तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ये ज़ीरो से होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे मैं वन कर देता हूँ, तो वन पे मुझे क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। मैं इसको दोबारा करता हूँ सो हेयर, तो ये इसने मुझे क्या बता दिया, यहाँ पे आपके डब्ल्यू है। सो यहाँ पे एक ये ऑपरेशन होता है स्ट्रिंग के अंदर, हम और भी डिफरेंट ऑपरेशन जो हैं हम अप्लाई कर सकते हैं। टू लोअर केस मतलब ये हम इसका एरर नहीं आना चाहिए। ओके तो ये देखिए इसने सारा वो हर एक चीज़ को हमारे को लोअर केस कर दिया। तो एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगा प्रोग्रामिंग में, जब भी आपने यूज़ कर रहे हो तो उसको ऐड या डेटाबेस में स्टोर करवाना हो, एक स्पेसिफिक वैल्यू रखें या लोअर केस करें या इसको अपर केस करें। क्यों करें, क्योंकि इसका आपको सबसे ज़्यादा एज उस टाइम होता है जब आपने कोई चीज़ फाइंड आउट कर रहे होते हैं। तो वो जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग करेंगे हमें पता चलता जाएगा, टू लोअर केस हो जाएगा, टू लोअर केस ओके, टू गेट बाइट्स टू अपर केस, हम इसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोड पॉइंट एट सो कंपेयर टू लेट्स सपोज, हमें इसको कंपेयर करना है। एक चीज़ मैं बताता हूँ वो हमने कभी भी नहीं करनी, कोई और नेम लिख देता हूँ, तो देखते हैं अब हमें ये रिटर्न क्या करता है। सो इसने मुझे क्या रिटर्न किया है, फाइव। ओके सो लेट मी क्लियर इट, तो सो कंपेयर टू ओके सो इसके अंदर ये क्या होगा, मतलब यानी कि दोनों वैल्यू अगर सेम होगी तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जीरो, अदरवाइज ये मुझे कोई भी रैंडम और वैल्यू दे सकता है। ठीक है, अब लेट्स सपोज दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है तो हम किस तरह कर सकते हैं, नेम इज इक्वल टू ए बी सी में कर देता हूँ, लेट मी चेक, तो मुझे क्या आंसर आएगा, कोई आंसर ठीक नहीं आएगा। इसने मुझे क्या रिटर्न कर दिया, फाल्स। फाल्स अब इसने मुझे क्यों रिटर्न किया, क्योंकि नेम के अंदर जो वैल्यू, ये जो हमारे पास नेम वेरिएबल है ये एक्चुअल में वहाँ पे ये स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई, ये जहाँ पे ये पड़ी हुई है ये इसके अंदर इसका एड्रेस कैरी करके रख रहा है। तो दोनों जो ये एड्रेस है और जो दूसरा वेरिएबल जिसके साथ हम स्ट्रिंग को कंपेयर कर रहे होंगे वो एड्रेस कभी भी सेम नहीं होंगे। आई डोंट, लेट मी चेक, कि हम एड्रेस अगर हम इसका देख सके तो गेट बाइट कोड इक्वल टू कॉन्टेंट इक्वल टू, सो एनीवे हम इसको कंपेयर करेंगे डॉट इक्वल्स, तो डॉट इक्वल्स के साथ हम कंपेयर करते हैं एक्स ए बी सी, ए बी एक्स के साथ, यानी कि हमने दो चीज़ों को कम दो स्ट्रिंग्स को, मैं बार बार रिकमेंडेड कर रहा हूँ, टू स्ट्रिंग्स को अगर हमने कंपेयर करना तो डॉट इक्वल्स यूज़ करेंगे, डॉट इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे, तो इससे क्या होगा हमारी टू स्ट्रिंग्स कंपेयर हो जाएंगी। सो होपफुली जो है आपको स्ट्रिंग की समझ लगी होगी, स्ट्रिंग हम क्यों यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जो है अब हम काम करेंगे इससे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, कुछ और चीज़ें देखेंगे, कोई एक छोटा सा हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हमारे लिए यूज़फुल होगा, जो हमारे डेली बेसिस के ये डेली बेसिस लाइफ में हमारे लिए यूज़ होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ काइंडली वो सब्सक्राइब कर दें।